सबसे पहले मैं सभी जनता भगवान को प्रणाम करना चाहता हूँ और मेरे पापा को वोट दे और उन्हें रुपौली का पूर्व विधायक बनाए और विधानसभा में पहुँचाए। हमारे पति के पीछे किन्हीं का नहीं हाथ है, सिर्फ जनता भगवान का हाथ है। मैं अपने पति से प्रेरणा लेती हूँ, उनमें इतना ऊर्जा इतना स्टेमिना कहाँ से आता है। गरीब आदमी के यहाँ जाते हैं तो जो नमक सत्तू मिलता है वो भी खा करके स्वीकार कर लेते हैं, तो फाइव स्टार होटल नहीं चाहिए। गरीब का झोपड़ी गरीब का मचान ही उनके लिए सबसे बड़ा स्वर्ग है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। रुपौली से निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह, उनकी पत्नी यहां पर मौजूद है, इनसे खास बातचीत हो ही रही थी लेकिन उनके दोनों बच्चे भी यहां पर मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे और पीछे आप देख सकते हैं हमारे की पूरी जनता मौजूद है जो लगातार कदम से कदम मिला करके शंकर जी के साथ चल रही है, उनकी पत्नी के साथ चल रही है और चुनाव में पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। अब ऐसे में बच्चे क्या सोच रहे हैं, इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है पापा फिर से चुनाव लड़े? अच्छा लग रहा है। हाँ, काफ़ी लोग रहते हैं पीछे पीछे, भीड़ रहता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं सभी जनता भगवान को प्रणाम करना चाहता हूँ और मेरे पापा को वोट दे और उन्हें रुपौली का पूर्व विधायक बनाए और विधानसभा में पहुँचाए। विधानसभा जाएंगे पापा? हाँ हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फाइव में। फाइव में, अच्छा ठीक है। तो इतने सारे जनता लोग आ रहे हैं, पापा के साथ चल रहे हैं, पापा को इतना प्यार मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा के साथ सबको बने रहे और सबको मेरे पापा को वोट दे। ठीक है, आपका क्या नाम है? कृष्णा सिंह। जोर से बोलो बेटा। ठीक है, तो कैसा लग रहा है पापा चुनाव लड़ रहे हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। दिन भर पापा क्षेत्र में रहते हैं? हाँ हाँ। तो दिन भर देखते नहीं होंगे आप लोग पापा को? नहीं नहीं। तो फिर भी क्या लग रहा है कि जनता चुनाव जिताएगी पापा? हाँ। क्या कहिएगा और लोग? वोट देने और दिलाने। हाँ। कहिए जनता को क्या कहिएगा? वोट देने और दिलाने ही है। वोट देने के लिए कहिएगा? हाँ। क्या चुनाव के बारे में पता है आप लोगों को? हाँ हाँ। क्या होता है चुनाव बताइए? उसमें वोटिंग होता है। वोटिंग होता है, कौन चुनता है? जनता। जनता चुनती है, तो जनता से क्या कहेंगे आप दोनों? जनता से ये कहना चाहते हैं कि मेरे पापा को वोट देके यहाँ का विधायक बना के सभी अपना विकास चुने। हाँ, विकास करेंगे पापा? हाँ विकास करेंगे। हाँ चलिए, तो देखिए दोनों बच्चे क्या कह रहे हैं। मैम, दोनों बच्चे इतने प्यार से कह रहे हैं कि पापा को जिताइए और विधायक बनाइए, भावुक भी हो रही हैं आप बच्चों को देख करके। काफी भावुक हो गई है। क्या महसूस कर रही हैं मैम? यही कहेंगे कि बहुत दिन से सेवा करते आ रहे हैं, एक बार जो है उनको विधायक रूप में चुनिए। सबके पीछे बहुत बड़ा बड़ा का हाथ है, हमारे पति के पीछे किन्हीं का नहीं हाथ है, सिर्फ जनता भगवान का हाथ है। उनको हराने के लिए पूरे लोग आ चुके हैं, सब अपने आप में ताल ठोक रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे बस जनता भगवान है। और मेरे पति इतना भलाई किए हैं, मैं जब से अपने पति के बीच शादी करके आई हूँ तब से मैं उनको जान रही हूँ और उनके जितने जनता भगवान हैं मैं सबसे जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने पति से प्रेरणा लेती हूँ, उनमें इतना ऊर्जा इतना स्टेमिना कहाँ से आता है। कभी भी उनको कॉल आता है रात में भी, तुरंत पेंट शर्ट चढ़ाते हैं, तुरंत चल जाते हैं, मतलब ये नहीं सोचते हैं कभी रात है कि दिन है। और ऐसे लोगों को जनता अगर नहीं चुनती है तो जनता का दुखद बात है, जनता के लिए बहुत कष्ट वाला बात है। ऐसे समाज के लोग आ जाते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और लोगों के लिए नहीं सोचते हैं। और मेरे पति गरीबी ज़िंदगी जिए हैं, कभी अच्छा ज़िंदगी नहीं देखे हैं और बहुत स्वाभिमानी है, घास का रोटी पसंद करते हैं खाना, लेकिन जो है वो स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। गरीब आदमी के यहाँ जाते हैं तो जो नमक सत्तू मिलता है वो भी खा करके स्वीकार कर लेते हैं, उनको फाइव स्टार होटल नहीं चाहिए। गरीब का झोपड़ी गरीब का मचान ही उनके लिए सबसे बड़ा स्वर्ग है। और
ऐसे कर्मठ युवा जुझारू जो सबके बीच रहने वाले, सब में एक अलग प्रभाव, और जो मेरा दुश्मन भी है वो भी जानता है कि शंकर सिंह कैसे लोग हैं, और वो कम बोलते हैं लेकिन काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चे अभी अपील कर रहे थे वोट की, छोटे छोटे आपके दोनों बच्चे हैं, लेकिन वोट की अपील कर रहे हैं, देख करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पापा का कष्ट देख के, बच्चा भी जो है कितना दिन से इधर ही है, कब नहाना कब खाना कब सोना, सब दिन रात जगे हुए रहता है। बस यही कहेंगे, सबके पीछे सब है, मेरे पीछे यही जनता भगवान मेरा बच्चा है, इनको देख करके एक बार मौका दीजिए, फिर उनको अपना घर का विधायक समझिए, जिनको जो समस्या है, मेरा घर मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुला है, एक शंकर सिंह विधायक नहीं है, पूरे रुपौली विधानसभा की जनता विधायक है, जिनको जैसे चलाना है जिस रूप में काम लेना है वो जहाँ बोलेंगे जाने, जिस प्रकार जो कहेंगे करने वो वही करेंगे, क्योंकि जनता भगवान के मत से चुनाव जीतेंगे, तो हम सबसे यही कहेंगे कि एक मौका दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो देख सकते हैं कि शंकर सिंह के बच्चे और बच्चे की बात सुन माँ भावुक हो जाती हैं, और भावुक होकर के जनता से क्या कुछ अपील कर रही थी। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पूर्णिया।